हेलो भाई, देखो फिर से स्वागत है आपके बजाय कर ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स में। तो भाई यहाँ पर गाड़ी पूरी खुली पड़ी है, थोड़ा बहुत काम हो चुका है, लेकिन इसमें मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसी गाड़ी आई थी हमारे पास और क्या काम कर रहा है संजीत भाई ने हमारे, क्योंकि इसमें क्या है सारा काम है, प्रॉपर इंटीरियर इसका बनने वाला है, पूरी गाड़ी पेंट होने वाली है। तो फाइनल लुक जरूर देख के जाना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत बेहतरीन वीडियोज आने। तो संजीत भाई क्या क्या काम होने वाला है आज इस गाड़ी में? इसके अंदर हम इंटीरियर पूरा चेंज कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा, और म्यूजिक सिस्टम भी इसके अंदर एंड्रॉइड लगने वाले हैं, काफी चीज लगना है, डैम्पिंग भी होना है, लाइटें उटे लगने, हर चीज होने वाला है। तो मतलब अभी तो पूरी गाड़ी आप देखते हो भाई, पूरी गाड़ी खुली हुई है ऊपर से लेके नीचे तक भाई। बहुत दूर से गाड़ी आई है अयोध्या से। अयोध्या से? अयोध्या से आई है, यूपी नंबर देख सकते हो भाई। मतलब इसको फुल प्रॉपर रिस्टोर कर रहे हो एक तरीके से, मॉडिफाई कर रहे हैं। इसके अंदर पूरा खंडर गाड़ी था, लेकिन हम इसके अंदर ऐसे ही बना देंगे कि लोग चाहेगा यही हम गाड़ी खरीदे ऑनलाइन देखेगा तो। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें फुल जंग वंग लगा हुआ, फुल गंदी हुई पड़ी है इस टाइम के लिए। तो अभी आप बिफोर कुछ शॉट्स देख लो भाई कैसी गाड़ी है, और ओवरऑल कंप्लीट होने के बाद मैं पूरी सी गाड़ी दिखाऊंगा भाई। मतलब फुल मस्त वाली बना दोगे? फुल जैसे बीएमडब्ल्यू में आता है ना बैठने वैसा मजा आएगा। अच्छा, फुल इंटीरियर बना रहे हो क्या इसमें? फुल पेंट कर रहे हो या फिर लेदर रैप कर रहे हो? डीप पेंट भी कर रहे हैं, ग्लोसी भी कर रहे हैं, कार्बन फाइबर भी कर रहे हैं इसके अंदर। पूरा मिक्सचर है, मिक्सचर है, अलग अलग डिफरेंट का, अलग अलग चीज का लुक है। और अगर बात करें इस टाइम क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर गाड़ी पूरी खुली हुई है, ये पेंटिंग डेंटिंग वेंटिंग चल रही है? खराब था, ऊपर से सही था, नीचे से खराब था पूरा, तो इसके अंदर हमने पूरा हाफ पेंट करना है इसके अंदर। अच्छा, मतलब जो जो बाहर बाहर से पार्ट में जहाँ पर से जंग था, डेंटिंग थी, वो सब कुछ प्रॉपर रिस्टोर कराया जा रहा है। अच्छा, कलर बाय कलर से पहले भी पेंट वेंट हो रखी है, इस चक्कर में थोड़ा इशू, लेकिन इसको प्रॉपर मैच कर देंगे। प्रॉपर कर रहे काम, एक बार कर रहे, प्रॉपर कर रहे, पहले भैया कहीं लुकअप करवा रहे थे, थोड़ा ये हमारे वाले थे, थोड़ा तो वो चीज अच्छा कर रहे, वो चीज करना बेहतरीन नहीं है, क्योंकि यहां पर डेंटिंग था। अच्छा, गड्ढा था उसको तो हमने प्रॉपर, ये भी प्रॉपर यहाँ पर भाई डेंटिंग पेंटिंग के लिए आ रखी है गाड़ी, और प्रॉपर गाड़ी में भाई इसमें मतलब बुरी हालत है इस टाइम गाड़ी की, आप देख सकते हो भाई खुली, प्रॉपर रस्टिंग वस्टिंग हर जगह रस्टिंग है, फुल मिट्टी विट्टी भरी पड़ी है भाई। ये मतलब क्या बनाओगे इस गाड़ी का, मैं देखना चाहता हूँ कि अभी सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी पता चलेंगे भाई। भाई देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जब भी इसका पता चलेगा भाई एंड फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है, तो बहुत बेहतरीन वीडियो होगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देख के रहना भाई, इस वीडियो में पूरा तहलका दिखा दूंगा कि भाई एक्सयूवी संजीत भाई ने यहाँ पर एक्सयूवी को बीएमडब्ल्यू बना दिया। चलो भाई, और बाहर में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं लाइट में या फिर क्या कर रहे हैं? चेंजेस कर रहे हैं, हेडलाइट के अंदर एचडी एलईडी डाला है। अच्छा, हेडलाइट की पूरी कंडीशन खराब थी, वो पूरी आप रबिंग वबिंग प्रॉपर कर दो? नहीं, बिल्कुल करके प्रॉपर हेडलाइट नहीं चमका दी, इसके अंदर हेडलाइट एचडी डालेंगे, इसके अंदर काफी चीज भी काम करेंगे, क्रोम क्रोम लगाएंगे, वाइजर उजर लगाएंगे, गाड़ी के अंदर एक सिंपल सुपर बढ़िया लुक दूंगा भाई। चलो भाई ठीक है, ये चीज मेरे को बड़ी बढ़िया लगी। और भाई ऊपर की तरफ ही मैं देखता हूँ, छत खुली पड़ी है, छत में क्या कर रहे हो? छत में ऊपर भी चल रहा है कलर का इंटीरियर। अच्छा, कलर इंटीरियर, ऊपर डैम्पिंग भी होगी छत के अंदर, पूरी गाड़ी में डैम्पिंग होगी, पूरी गाड़ी में डैम्पिंग होगी, ड्राई क्लीन करवाएंगे अभी जैसे बाहर का चल रहा है अभी। भाई अभी देखो कितना गंदा है इस गाड़ी के अंदर, प्रॉपर ड्राई क्लीन होगी, प्रॉपर क्लीन करके गाड़ी दी जाएगी, बिल्कुल नई बना दी जाएगी एक तरीके से गाड़ियां, बिल्कुल बिल्कुल नई बना। चलो भाई देखते आगे क्या क्या काम होता है। यहाँ पर आप देखते हो भाई पेंट का प्रोसीजर पूरा हो चुका है, फ्रंट में ही पेंट हो चुका है, साइडों में पेंट हो चुका है, प्रॉपर मतलब छत पेंट रही हुई है इसकी, और उसके अलावा पूरी गाड़ी पेंट हुई है। और यहाँ पर अगर देखें तो भाई फ्लोरिंग भी हो चुकी है नीचे की तरफ, और बाकी पूरी अभी गाड़ी खुली हुई है। डोर पैनल्स यहाँ पर अभी सारे साफ़ करे जाएंगे, अंदर से पूरी गाड़ी साफ़ करी जाएगी, इसके अंदर डैम्पिंग लगने वाली है, और ये पूरी डैम्पिंग होने वाली है इसके अंदर सारे गेट्स में, डिग्गी में, हर जगह पर। ऊपर की तरफ रूफ रैप कर दी गई है, और बाकी ये पूरी गाड़ी क्लीन होने के बाद, पूरी पैक होने के बाद फाइनल लुक तो इसकी बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो एंटर जरूर देख के जाना, बहुत मजेदार चीज दिखेगी आपको। पर डैम्पिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, डुअल लेयर डैम्पिंग होने वाली है, रात का समय में देख सकते हो, लेकिन हमने सोचा कि भाई यही टाइम है हमारे पास बेस्ट काम करने के लिए, आपकी प्रेफरेंस हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई यहाँ पर पैरामैट की डैम्पिंग हो रही है डुअल लेयर अंदर और बाहर, फ्रंट की साइड दिखाया था भाई, यहाँ पर फ्रंट की साइड हो चुकी है, और प्रॉपर फिनिशिंग देख लो भाई कैसी आ रही है, पूरी गाड़ी में डैम्पिंग होने वाली है। तो भाई वीडियो को पूरा एंजॉय करके जाना, एंड तक देख के जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी बहुत बेहतरीन वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है। तो भाई यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो भाई डैम्पिंग सारी गेटों में हो चुकी है, आगे भी पीछे भी, और डुअल लेयर डैम्पिंग जैसे मैंने आपको दिखाई थी उधर भी हो चुकी है यहाँ पर, और पीछे स्पीकर्स लग चुके हैं,
कोएक्सल और पाइनियर के कंपोनेंट दोनों इसके अंदर लगे हैं। सिस्टम अभी लगना है इसके अंदर, बाकी वायरिंग वायरिंग अभी इसके अंदर हो रही है। तो वीडियो को मतलब प्रॉपर देख के जाना, क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन इंटीरियर करने वाले हैं। छत आपने देख ही ली है, सीट कवर्स का थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा किस तरीके का हम करने वाले हैं। फ्लोरिंग भी सेम मैच करी गई है, इंटीरियर उसी हिसाब से, और प्रॉपर जितने भी इसके पार्ट्स हैं सारे डिप पेंट होने वाले हैं। तो डिप पेंट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर लगने के बाद कि किस तरीके की लुक आ रही है गाड़ी की, और ओवरऑल पेंट गाड़ी में हो चुका है। भाई आप देख सकते हो प्रॉपर गाड़ी का पेंट हो चुका है, छत पेंट नहीं करी है, बाकी पूरी गाड़ी पेंट हो चुकी है। हेडलाइट में क्या अपग्रेड कर रहे हैं और क्या क्या इसमें इंस्टॉलेशन होने वाली है, तो वीडियो वो है प्रॉपर मैं दिखाने वाला हूँ आपको। एक बार लुक देख लो कैसी है, अभी की लुक कैसी है और फाइनल लुक कैसे आने वाली है, तो बहुत बेहतरीन होगी। हमारे साथ संजीत भाई जुड़ चुके हैं। तो भाई संजीत भाई, डैम्पिंग जैसा देता था हो चुकी है, स्पीकर्स कौन से इंस्टॉल कर रहे हैं प्रॉपरली आप बता दो। इसके अंदर हम पानीर का आगे कंपन लगा रहे, कस्टमर का थोड़ा सा कम बजट का इसमें काफी काम अच्छा करवाना था, तो हमने पानीर का सिलर किया, स्पीकर लगवाए पानीर का, यहाँ पर लगे भाई कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है और पीछे कोएक्सल लगाए गए हैं, साउंड इसके बिना एम्पलीफायर का भी है, बिना एम्पलीफायर के सिस्टम इसमें लगाया जा रहा है। मतलब म्यूजिक में इतना ज्यादा भैया स्पेंड नहीं कर रहे, क्योंकि ओवरऑल गाड़ी में भैया ने बहुत ज्यादा बजट लगा लिया है इंटीरियर में, काफी इंटीरियर में पेंट में, तो भाई थोड़ा खर्चा बढ़ गया, तो इसी में थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन बना दो सिस्टम के साथ भी, म्यूजिक के साथ भी और कैमरा भी। मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई म्यूजिक में मजा तो नहीं आया, ऐसा तो नहीं है ना कि मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, मजा आएगा ना। और सिस्टम कौन सा इंस्टॉल कर रहे हैं, सिस्टम हाइपरसोनिक का डाले, 2GB RAM 16GB internal। चलो भाई ठीक है, प्रॉपर गाड़ी में इंस्टॉल आपको दिखाऊंगा। और भाई इसका प्रॉपर फ्रेम अलग से आएगा, फिर जो फ्रेम है उसी के अंदर लग जाएगा, फ्रेम अलग से हमने इसके कार्बन करवाया है, कुछ अलग डिफरेंट लुक आएगा इसके अंदर। मतलब प्रॉपर डिप पेंट करवाया, और वो पेंट किस तरीके से करवाया अभी बता दे या फिर वीडियो में दिखाए बाद में, बाद में दिखाएंगे। चलो ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर अपनी XUV जो कि है, मतलब बहुत दिन से आ रखी थी, आज ये फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई मैं एक बार इसकी ओवरऑल लुक दिखाता हूँ भाई कैसी लुक है। अभी भाई ये ड्राई क्लीन हो गया है, क्योंकि एक्चुअली बहुत दिन से खड़ी थी यहाँ पर, बहुत दिन से काम चल रहा था इसके अंदर। मतलब इसको हो गया है 15 से 20 दिन, क्योंकि इसमें ओवरऑल A to Z काम था, मतलब फुल रिस्टोर करी आपने, बिफोर एंड आफ्टर क्लीस आपने देख ही लोगे भाई क्या हिसाब था इस गाड़ी का और क्या बना दिया गया भाई। आउटरों की बात करें तो भाई यहाँ पर इसमें भाई पूरी गाड़ी जो की है यहाँ पर पेंट हुई है, पूरी गाड़ी फुल रिस्टोर हुई है यहाँ पर भाई, ऐसा कुछ हिसाब है, मतलब फुल रिस्टोर कर दी गई है भाई यहाँ पर संजीत भाई ने, भाई A to Z काम करा है। फ्रंट साइड की बात करें तो भाई यहाँ पर हेडलाइट्स में कुछ अपग्रेड नहीं हुआ है, जो कि आप ये पार्ट देख सकते हो, ये आपके अलग हाईलाइट जो मार रहे हैं, ये हाइड्रो डिप हुए हैं, नॉर्मल कोई पेंट नहीं है, हाइड्रो डिप करे गए हैं इन दोनों को। ये दोनों पैनल्स पेंट हुए हैं, हाइड्रो डिप हुए, मतलब ये दोनों पैनल्स हाइड्रो डिप हुए फ्रंट में, और कुछ चेंजेस नहीं करे गए। ओवरऑल गाड़ी जो मैंने बताई दिया है कि पेंट हुई है, क्योंकि ये इसकी हालत बहुत ख़राब थी, छत छोड़ के पूरी गाड़ी ओवरऑल पेंट हुई है यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं थोड़ा साइड लुक की, तो साइड लुक में इतना कुछ नहीं करा गया, नॉर्मल जो भैया के व्हील्स है वही रखे गए हैं, इनमें अलॉय व्हील्स नहीं लगाए गए हैं। बाहर की तरफ देखते हो भाई डोर वाइजेस लगे हैं XUV 500 की बैजिंग के साथ, नीचे तरफ लोअर गार्निश लगी है, साइड बीडिंग्स लगी है, नीचे फुटस्टेप लगा हुआ है, आप देख सकते हो भाई। ओवर लुक कैसी है गाड़ी की भाई, अंदर से आपको मैंने दिखाया था भाई, सबसे बेहतरीन चीज़ हुई है इसमें जो अंदर सारा काम हुआ है भाई। एक बार ओवरऑल लुक देख लो भाई गाड़ी की कैसी लुक है। नीचे तरफ स्टार्ट करते तो भाई यहाँ पर आपको मिल जाएगी, पहली बात तो एंटर करते ही XUV की बैजिंग के साथ XUV 500 वेलकम प्लेट। साइड पैनल्स की बात करो भाई, यहाँ पर सारे साइड पैनल्स यहाँ पर लेदर में है भाई प्रॉपर, और जितने ये पार्ट आपको दिख रहे हैं भाई ये सारे हुए हैं हाइड्रो डिप भाई, ये तक हाइड्रो डिप हुआ है। भैया का यहाँ पर एक बटन था नहीं तो उसको छोड़ दिया गया, वो मिला भी नहीं, यहाँ पर ये सारे हाइड्रो डिप हुए हैं। साइड पैनल सभी भैया का, ये भैया ने पैक नहीं करवाया, भैया को छेड़छाड़ करनी है उसमें थोड़ी सी, भैया ने उन्होंने बोला अभी नॉर्मल इसको रहन दो,
अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर आप स्टेयरिंग दिखाता हूँ, तो स्टेयरिंग भी यहाँ पर, मतलब इस गाड़ी के हर एक पैनल की बात करें तो यहाँ पर सारे हाइड हुए हैं। स्टेयरिंग रैप हुआ है यहाँ पर OEM फिनिशिंग के साथ। ये सारे पैनल भी हाइड्रो डिप है भाई। यहाँ पर ये ऑरेंज कलर में जो हुआ है, ऑरेंज कह लो इसको या फिर येलो कुछ कह लो, तो भाई जितना भी है ये सारा, ये जितना आप पार्ट देख रहे हो भाई, यहाँ पर ये सारे हाइड्रो डिप है। ये हाइड्रो डिप है, ये हाइड्रो डिप है, हाइड्रो डिप पेंट है ये भी, ये पैनल, ये पूरा पैनल हाइड्रो डिप है भाई। तो भाई ये सारा पैनल जो है हाइड्रो डिप है, मैंने आपको दिखा दिया है। ये लेदर में है, ये सारे डोर पैनल्स जो है, फोर अपने पैनल्स ये सारे लेदर में है। पिलर्स की बात करें तो भाई ये भी अपने हाइड्रो डिप में है भाई। ये देखो एक बार, ब्लैक फिनिश के अंदर हाइड्रो डिप करा गया है इसके अंदर भी। और अगर मैं आपको रूफ दिखाने की बात करूँ तो भाई रूफ जो है अपना पूरा रैप हुआ है, देख सकते हो भाई कैसी रैपिंग है। पीछे की सीट कवर की लुक देख लो भाई। और अगर बात करें तो भाई सीट कवर्स की, तो सीट कवर की फिनिशिंग है तो भाई एक नंबर की है, और प्रॉपर सोफा में है भाई। इसमें अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर है भाई, एक नंबर। मतलब इसके बाद आप लॉन्ग राइड पर चले जाओ, आपको 1% दिक्कत नहीं होने वाली। मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबल बैठा हूँ इस टाइम में। अभी गाड़ी ऑफ कर रखी है मैंने, बैटरी डाउन ना हो जाए भाई इसकी बैटरी, क्योंकि बहुत दिन से खड़ी है, रोज़ यूज़ हो रही है गाड़ी, तो बैटरी थोड़ी डाउन हो चुकी है इसकी। नीचे तरफ बात करें भाई, यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, जो मतलब अभी पैनल पैक करने हैं, साइड्स के भी थोड़े जो रह रहे हैं वो पड़ेगा। नीचे तरफ पूरी फ्लोरिंग हुई है, डायमंड फिनिशिंग के अंदर है ये भी फ्लोरिंग। और भाई यहाँ पर देखो भाई, आपको गियर नॉब भी आपको रैप करा गया यहाँ पर प्रॉपर। यहाँ पर भी लेदर है, यहाँ पर भाई हाइड्रो डिप एज मैंने अभी दिखाया है भाई। सबसे ज़्यादा काम इस गाड़ी के अंदर क्या हुआ भाई, हाइड्रो डिप भाई। इंटीरियर मेरे को ज़रूर बताना भाई कैसा लगा है भाई, ओवरऑल लुक देख लो एक बार। ये तक ब्लैक करे गए हैं, यहाँ पर ये सारे पैनल्स ब्लैक करे गए हैं, ये भी ब्लैक करे गए भाई। ये देखो भाई दिखाया था एक बार, सारे पैनल्स यहाँ पर ब्लैक करे गए हैं, ठीक है भाई। इनके ऊपर कपड़ा चढ़ाया गया है, हमारे यहाँ पर रूफ रैप हुई है इसके अंदर भाई। मतलब इंटीरियर में सबसे मेन फोकस करा गया भैया का काम था, भैया का मतलब मेन फोकस था कि भाई मेरे को इंटीरियर बहुत बढ़िया चाहिए। और अगर साउंड सेटअप की बात करें तो भाई साउंड सेटअप इसके अंदर बहुत नॉर्मल हुआ है, नॉर्मल भी नहीं बेसिक बोल के, मतलब बहुत सही चीज़ साउंड देती है। पाइने का सेटअप हुआ है इसके अंदर। और बात करें तो भाई यहाँ पर एम्बियंट लाइट लगी है, जैसे भाई एम्बियंट लाइट अभी जला के मैं उसका फाइनल लुक आपको दिखा दूंगा गाड़ी की। नीचे तरफ यहाँ पर ATM लाइट लगाई गई है, नीचे तरफ यहाँ पर ATM लाइट लगाई है भाई, आप लुक देख सकते हो। और ये ऐप कंट्रोल है ये वाली भी, और जो हमारी डैशबोर्ड पे यहाँ पर नहीं लगाई गई है, जो डोर पैनल्स में लगी है, ये भी ऐप कंट्रोल है। अभी थोड़ी लो क्वालिटी वाली लगी हुई है, इसके अंदर आप लाइटिंग देख सकते हो भाई कैसी लाइटिंग है। मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ी हैवी क्वालिटी वाली यूज़ करो तो भाई हम वही बोलते हैं कि अलग अलग वैराइटीज़ है। भैया ने बोला कि मेरे को इतना लाइट है शौक नहीं था, भैया ने नॉर्मल लाइटिंग करवाई है इसके अंदर। ये वाली लेकिन अच्छी लग रही है भाई, आप लुक देख सकते हो भाई कैसी लुक है। यहाँ पर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हाइपरसोनिक का सिस्टम लगाया गया है इसके अंदर भाई। और भाई सिस्टम की भाई टच क्वालिटी देखो भाई कितनी बढ़िया एक तरीके से भाई, ये देखो भाई एक नंबर की क्वालिटी है इसके अंदर। और भाई यहाँ पर ऐप्स देख सकते हो भाई, यहाँ पर आपको गूगल मैप मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर मिल गया, प्ले स्टोर मिलने का अगर आपको प्ले स्टोर मिल गया इसके अंदर तो आप हर चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब मिल जाएगा आपको। इसका टच रिस्पॉन्स मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया लगा मेरे को। और साउंड आउटपुट में भी आपको सुना दूँ भाई एक बार, मेरे को फिनिशिंग मतलब मेरे को बहुत प्यारा लगा ये इंटीरियर जो इसके अंदर हुआ है। मेन चीज़ मेरे को इसके अंदर अच्छी लगी हाइड्रो डिप। इस गाड़ी को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा भाई, तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपको XUV लवर हो तो इसको लाइक कर दो इस वीडियो को जल्दी से, और फाइनल आउटपुट ज़रूर देख के जाना। मतलब कुछ सिनेमैटिक शॉट्स में डालूंगा इसके अंदर हाइड्रो डिप के जो हमारे हुए हैं भाई। ये हाइड्रो डिप पैनल्स जो हुए हैं भाई, फिनिशिंग आप देख सकते हो भाई एक नंबर। मतलब अगर आपको ऐसा कुछ भी काम करवाना है, नॉर्मल से बेसिक हाई एंड, मतलब जो बोलते हैं ना हाई एंड काम, यहाँ पर आपको मिलेगा संजीत भाई के पास भाई। ये देख लो मतलब एक नंबर है काम हुआ भाई। यहाँ पर कुछ पार्ट्स पड़े हैं भैया के, जो मतलब जो पुराने रिप्लेस हुए सारे। डोर पैनल्स देखे चेक कर सकते हो भाई, पिलर्स चेक कर सकते हो जो हाइड्रो डिप के अंदर हुए। फाइनल लुक भाई एक नंबर की। हेडलाइट में कुछ अपग्रेड नहीं करा है यहाँ पर, हेडलाइट में जल भी नहीं रही अभी कुछ अपडेट नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें। मतलब हेडलाइट अभी ना कुछ चेंज नहीं है, बस जो कि है पुरानी लाइट सी, पुरानी हेडलाइट थी, उसको थोड़ा बफिंग करा गया है, पूरा गाड़ी को क्लीन कराया गया है। और ओवरऑल लुक भाई बहुत प्यारी निकाल दी गई है। जो गाड़ी पुरानी आई थी हमारे पास, आपने कुछ क्लिप्स देख ली होगी भाई, जो गाड़ी आई थी उसके हिसाब से तो भाई ये बहुत हाई एंड चीज़ बना दी गई है। ये और लग जाता है यहाँ पर तो भाई मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया लुक आने वाली थी गाड़ी की। लेकिन कोई दिक्कत नहीं भैया, कुछ करना है इसके अंदर मेरे को पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं इतना। भैया ने बोला कि एयरबैग मेरा हटा के बस साइड में रख देना आराम से, तो हमने वो चीज़ कर दी गई है। नीचे के साइड पैनल से भी पूरे खुले हुए हैं, क्योंकि वो पूरा एक साथ पैक कर दिया जाएगा उसके बाद, जो भैया को चेंजेस करने हैं उसके बाद भाई। यहाँ पर फाइनल लुक आप देख सकते हो भाई, क्या फाइनल लुक है।
तो भाई मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर आपको ऐसा कुछ भी काम कराना है तो आप आ सकते हो संजीत भाई के पास, जो कि है काउंटिंग कार्स पे करोल बाग। भाई अगर मैं बात करूं तो भाई सारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ए टू जेड काम मिलने वाला है, बेसिक से लेके हाई एंड कोई गाड़ी लेके आओ, ये नहीं एक्सयूवी या पंच, जैसे अभी हमारे ट्रेंडिंग में पंच चल रही है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम पंच ही रेडी करते हैं। आप कोई गाड़ी लेके आओ, अपना बजट बताओ, उसमें बेस्ट चीज मिलने वाली है आपको भाई यहाँ पर। तो भाई मैं वही चीज बोलूंगा कि यहाँ पर आओ संजीत के भाई के पास, एक मौका दो उनको आपकी गाड़ी रेडी करने का, तो भाई मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया चीज करके देने वाले हैं। भाई मेरे को तो मजा आ गया इस गाड़ी के अंदर बैठ के, फुल लग्जरी फील आ रही है, जो मैंने सोचा था उससे मैंने उनको हाई एंड काम मिला है यहाँ पर, तो भाई मेरे को तो मजा आ गया। कमेंट सेक्शन में जरूर आना कैसी लगी ये गाड़ी आपको, और ऐसी कुछ और गाड़ी हमारे पास आएंगी तो मैं जरूर कोशिश करूंगा उनकी फुल रिस्टोरेशन वीडियो बनाने के लिए, भाई मजा आ गया। तो भाई आपने ओवरऑल काम एक्सयूवी का देख लिया, भाई कैसा है हमारे साथ भाई जुड़ चुके संजीत भाई। संजीत भाई पहली बात तो बताओ क्या हाल चाल आपके? बढ़िया हाल चाल हमारा भाई, एक्सयूवी तो तुमने तहलका बना दिया। तहलका नहीं, कति जहर बना, कति जहर भाई। मतलब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे ये फुल एक रिस्टोरेशन थी, मतलब बिल्कुल खत्म गाड़ी को फुल रिस्टोर करा गया, पेंट इंटीरियर से लेके हर चीज, तो ऐसी कोई गाड़ी आपका इस बंदा लेके आया तो कितना टाइम लग जाता है? 10 दिन। अगर 10 दिन छोटी गाड़ी हो तो कम से कम 3-4 दिन में हो जाएगा। हाँ। पूरा डेंटिंग पेंटिंग इंटीरियर जितना भी हो। अच्छा। वो 3-4 दिन में हो जाएगा। और इसमें तो ओवरऑल सारा था, बड़ी गाड़ी हो तो 10 दिन मैक्सिमम, 10 से 12 दिन लगेगा। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट तुमने सारा काम कर ही दिया था, बस पीपीएफ करना रह गया था। पीपीएफ और सारा काम हो ही गया था, हमारी तरफ से कंप्लीट है ना भाई। मतलब आपको मैंने बोला ऐसे कि एक स्टोर पे आपको हर एक चीज मिलने वाली है, संजीत भाई आपको देंगे हर वो चीज। भाई अगर मैं बताता हूँ कुछ एस्टिमेट बजट की बात करें तो ऐसा कुछ काम करने में कितना बजट लग जाता है? अगर इंटीरियर का बड़ी गाड़ी में बात करें तो 70-80 हज़ार रुपए खर्चा पड़ जाता है। इस गाड़ी में कितना आया खर्चा? ये टोटल आया इसके अंदर पूरा डेंटिंग पेंटिंग लेके तो 1-1.5 लाख के आसपास खर्चा पड़ा है। चलो भाई, मतलब ओवरऑल बहुत बढ़िया काम हुआ है इसके अंदर। स्पीकर से भैया ने कुछ ज्यादा अपग्रेड नहीं करवाया, ना लाइट्स में अपग्रेड करवाया स्पीकर, लेकिन किसी को हाई एंड करवाना है तो हाई एंड काम तो 2 लाख का भी हो सकता है, लेकिन गाड़ी खत्म होने में हम देखें क्या कंडीशन बना भाई। मतलब आपने फुल बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स देखेंगे तो आप समझ गए हो कैसी गाड़ी संजीत भाई के पास आई थी, और हर एक पार्ट खुला हुआ था उसका भाई। पूरी मेहनत लगी इसके अंदर, पूरी मेहनत भाई, बहुत दिन लगे इसको काम कंप्लीट करने में। काम करते हैं, एक्सयूवी बस जा चुकी है, आपने कुछ मॉर्निंग शॉट्स देखे वो सर्विस करवाने के लिए आए भैया गाड़ी यहाँ पर, तो यहाँ से मतलब मैंने कुछ शॉट्स डाल दिए कि रात को इतना क्लियर दिख नहीं पाया था इंटीरियर वाइज, तो अब आप समझ चुके होंगे भाई कैसा काम हुआ है, और हर एक चीज डिप पेंट हुई। हाँ भाई, सबसे बड़ी चीज डिप पेंट हुई है, छोटे से छोटा पार्ट ग्लोसी भी हुआ है, छोटा पार्ट भी हुआ। गाड़ी अपने गाड़ी देखो एक बार। हाँ। बनवा के देखो, आपको अगर गाड़ी वीडियो में आप तो देख ही रहे हो कैसा लगा, एक बार आप भी आओ बनवा के देखो, बहुत ही गजब की गाड़ी लगी। छोटी या कोई गाड़ी पुरानी भी हो या कोई नई भी हो, कोई भी हो गाड़ी हम बना, मतलब संजीत भाई आप कोई गाड़ी ले गया उसको फुल रिस्टोर कर देंगे एक नंबर की। मतलब इस टाइम वो गाड़ी कोई अंदर रोड पे जाएगा क्या, नई गाड़ी है एक तरीके से, नई गाड़ी। अगर बस भैया हेडलाइट में कुछ अपग्रेड करवा देना बढ़िया रहता, अगर बंदा अगर गाड़ी में बैठ गया बोलेगा भाई क्या गाड़ी बनी है, बढ़िया गाड़ी बनी है ना भाई, बिल्कुल जबरदस्त वाली। चलो भाई, मतलब मैंने जैसा को बताया भाई काउंटिंग कार्स एक ऐसा स्टॉप जहाँ पर आपको हर एक चीज मिलने वाली है एक ही दुकान पे, वो है हमारे संजीत भाई के पास। भाई एक बार लोकेशन बता दो, कैसे किसी को आना हो तो हनुमान मंदिर लेफ्ट साइड में अपना पहला शॉप। भाई ऐसे आप एंट्री करोगे करोल बाग से, आपको लेफ्ट साइड पे दिख जाएगी आपको काउंटिंग कार्स, और भाई आपको संजीत भाई के पास आना, अपना बजट बताना है, उसमें बेस्ट चीज करके देंगे संजीत भाई हमारे।